नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। खेडली कस्बे के सौखर रोड स्थित राजपूत छात्रावास में राजपूत शिक्षा समिति तहसील कठुमर की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन समिति अध्यक्ष गोपाल सिंह नरूका की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान समाज में व्याप्त कुरूतियों, दहेज प्रथा सहित मृत्यु भोज बंद करने को लेकर चर्चा की गई, साथ ही इन पर विचार विमर्श भी किया गया। इस दौरान सभी की सहमति से 2 जून को छात्रावास प्रांगण में ही महाराणा प्रताप की जयंती मनाने को लेकर निर्णय लिया गया। नागौर जिले के डीडवाना थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 3 आरोपियों ने बड़ी बहन से लगातार 2 साल तक गैंगरेप किया, तो वहीं एक आरोपी ने 6 महीने पहले मौका पाकर छोटी बहन को भी अपनी हवस का शिकार बना लिया। आरोपियों ने दोनों बहनों के वीडियो बनाए और इसी के दम पर लगातार उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया। बड़ी बहन 19 साल की है तो छोटी बहन 17 साल की है। घटना के समय दोनों ही नाबालिग थी। जानकारी के अनुसार आरोपी बड़ी बहन को डरा धमकाकर नींद की गोलियां भी देते थे और परिजनों को खाने में मिलाकर खिलाने के लिए मजबूर करते थे। इसके बाद उसे घर से बाहर बुलाते और बारी बारी से दुष्कर्म करते। हाल ही में परिजनों के सामने ये पूरा मामला खुला, जिसके बाद दोनों बहनों ने अपनी आपबीती सुनाई। बुधवार देर रात पीड़ित पिता ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में गैंगरेप और रेप के 2 मामले दर्ज करवाए हैं और पीड़िताओं के मेडिकल भी करवाए गए हैं। वहीं डीडवाना सीईओ गोमाराम जाट पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच में सामने आया है कि तीनों नामजद आरोपी पीड़िताओं के पड़ोसी ही हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत रायसिंह नगर नगरपालिका ने शिविर में 20 लोगों को उनके भूखंडों के पट्टे बांटे। पालिका प्रशासन द्वारा अब तक 314 पट्टों का वितरण किया जा चुका है, साथ ही कच्ची बस्तियों के 26 पट्टों का भी वितरण किया गया है। पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल ने बताया कि शिविरों के दौरान लोगों के भूखंडों के पट्टे जारी किए जा रहे हैं, साथ ही पालिका कर्मियों के द्वारा लोगों को अपने भूखंडों के पट्टे बनवाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। शिविर में अधिशासी अधिकारी राजेश गोठवाल सहित पालिका के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। नगर पालिका राजनगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत 90A के अंदर कृषि भूमि के 208 पट्टे जारी कर चुके हैं अभी तक हम, और 69A के अंदर हम 38 पट्टे जारी कर चुके हैं। कच्ची बस्ती में हम 26 पट्टे जारी कर चुके हैं। इसी दौरान हमने 250 नामांतरण भी जारी कर दिए हैं आज दिनांक तक। विभाजन और उपविभाजन का भी हमने 4 कार्रवाइयां कर रखी है। निर्माण स्वीकृतियां हमने 50 से ज़्यादा निर्माण स्वीकृतियां जारी कर चुके हैं। 90A के अंदर भी हमने 2 प्रकरण हमारे पास आए थे, उनका भी निस्तारण कर दिया है। इस प्रकार खांजा भूमि भी निरंतर आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उन पर कार्रवाइयां की जा रही है। और आज दिनांक 26/5/2022 को नामांतरण के 10 केस और कृषि भूमि के 20 पट्टे जारी किए हैं, और इसी दौरान 69A के अंदर 1 पट्टा जारी किया है, और बाकी कच्ची बस्तियां और अन्य जो भी प्रकरण हमारे पास लंबित हैं उन पे निरंतर नगर पालिका राजनगर के अंदर कार्रवाई जारी है। नगर पालिका में लगभग 20 लोगों को पट्टे जारी किए गए और इतने ही नामांतरण किए गए, और अभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और नगर पालिका के कर्मचारी पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं राजनगर की जनता से भी अपील करता हूँ कि वे इस स्वर्ण काल है जहाँ सबसे ज़्यादा पट्टे बन रहे हैं और लोग यहाँ पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पट्टे बनवाएं, या और भी जो रुके हुए काम है इंतकाल वगैरह वो यहाँ आकर करवाएं। अभी हम घर घर इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पट्टे बनवा सकें, या अपनी कोई भी पुरानी समस्याएं हैं 20 सालों से 50 सालों से जो लोग इधर उधर भटक रहे थे उन समस्याओं को हम दूर कर रहे हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य वीनू गुप्ता एवं राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव और उपायुक्त कस्टम नरेश ने गुरुवार रात होटल ताज हरी महल में निर्यातकों के साथ संवाद किया। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक SS पालीवाल ने बताया कि निर्यातकों के साथ संवाद में जोधपुर से निर्यात बढ़ाने पर चर्चा की गई और निर्यातकों की समस्याओं पर आवश्यक विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही इनलैंड कंटेनर डिपो पर संबंधितों से सुझाव लिए गए।
उपखंड पीपल खूंट के ग्रामीणों ने पिछले 10 माह से रिक्त चल रहे उपखंड अधिकारी के पद को भरने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ सौरभ स्वामी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया है कि पीपलखूंट उपखंड अधिकारी का पद पिछले 10 माह से रिक्त पड़ा है, जिससे यहां के किसानों का समय पर कोई कार्य नहीं होता है। पत्थरगढ़ी व लंबित दावे चल रहे हैं। लंबे समय से पद रिक्त होने से आमजन परेशान है। दौसा में बस स्टैंड पर बस में चढ़ते समय एक व्यक्ति की जेब से 5,000 रुपये निकालने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने महिला बरखा बावरिया को गिरफ्तार किया है। कोतवाल लाल सिंह यादव ने बताया कि बुधवार को ईदगाह कॉलोनी निवासी कल्लू खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि जिसकी सूचना पर पुलिस ने गुरुवार को तकनीकी संसाधनों की सहायता से बस स्टैंड पर तलाशी की और पूरी घटना का खुलासा कर दिया। दौसा कोतवाली पुलिस ने जितेंद्र मीणा उर्फ जीतू बोरोदा हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने वारदात से पहले जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल किया। दौसा पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि टीम ने 11 मई को जीतू मीणा की हत्या के मामले में आरोपी हनुमान मीणा और गौतम मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन के रिमांड पर भेजा है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, वहीं मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जीतू बोरदा हत्या प्रकरण में हनुमान मीणा और गौतम मीणा, जो दोनों आपस में ससेरे भाई हैं, इनको सोमनाथ सर्किल दौसा से दस्तियाब कर बाद अनुसंधान प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया और 2 दिन का रिमांड लिया गया है। आगे और बाकी आरोपियों और शेष आरोपी जो हैं, उनके लिए हमारी टीमें जो हैं प्रयासरत हैं, और शीघ्र ही जो मुलजिमान हैं और उनको हम दस्तियाब कर प्रकरण में बाद अनुसंधान गिरफ्तार कर लेंगे। CSIR पिलानी के वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली मैग्नेट्रॉन तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल की है। इस तकनीक के जरिए रेडियोथेरेपी मशीनों में स्वदेशी मैग्नेट्रॉन का इस्तेमाल होगा। अभी तक जो मैग्नेट्रॉन इस्तेमाल होता है वो विदेशों से ही आयात किया जाता है। सीरी के निदेशक डॉक्टर PC पचारिया ने बताया कि सीरी द्वारा विकसित एस बैंड ट्यूनेबल मैग्नेट्रॉन फॉर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स टेक्नोलॉजी के व्यावसायिक विकास और वाणिज्यकरण के लिए केंद्र सरकार के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने बेंगलुरु की एक कंपनी से समझौता किया है। समझौते के अनुसार केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाना है। प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शिवेंद्र मौर्य, बोर्ड के सचिव राजेश पाठक और पेनेशिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के प्रबंध निदेशक GB सुब्रमण्यम ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में CSIR सीरी ने एक 2.6 मेगावाट यस बैंड ट्यूनेबल पल्स मैग्नेट्रॉन की टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिसका टेक्निकल नो हाउ मेसर्स पेनेशिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरु के साथ साझा किया गया था, और अब इसका देश में ही पूरी तरह से विकसित और कमर्शलाइजेशन करने के लिए एक MOU मेसर्स पेनेशिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरु और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड DST के साथ साइन हुआ है। अब इसका पूरा ही डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन देश में ही होगा, जिससे कैंसर ट्रीटमेंट मशीन, जो रेडियोथेरेपी मशीन जिसको हम कहते हैं, उसका पूरी तरह से स्वदेशीकरण होगा, और ये अपने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपनों को पूरी तरह से साकार करेगा। रावतसर पुलिस ने 4 फरवरी को ग्वार चोरी प्रकरण में दर्ज मामले में 7 लोगों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। रावतसर पुलिस थाना प्रभारी नरेश गेरा ने जानकारी देते हुए बताया कि मनोज कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके गोदाम से अज्ञात व्यक्ति ताला तोड़कर पिकअप गाड़ियों में भरकर ग्वार चोरी कर ले गए हैं। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने कृष्णलाल, दीपक, जगसीर सिंह, सुमेर करतार सिंह, कमलेश और उदय सिंह को गिरफ्तार किया है। वही मामले में 200 थैले ग्वार बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम में हरबंस लाल SI, हेड कांस्टेबल विजय सिंह, कांस्टेबल विकास और मांगीलाल ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। माह फरवरी 2022 में मनोज कुमार भाट निवासी रावसर द्वारा अपने गोदाम से ग्वार चोरी होने बाबत मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिस पर टीम गठित की गई और CCTV फुटेज और मोबाइल डाटा आदि विश्लेषण किया गया, और इसी दौरान 7 मुलजिमान को
जो बट्टू क्षेत्र के रहने वाले हैं अधिकतर, उनको गिरफ्तार किया गया और इनसे 200 कट्टे कबार बरामद किए गए हैं और अभी अनुसंधान जारी है। इसमें जो शरीक मुलजिमान हैं उनकी भी तलाश के लिए टीमें भेजी गई हैं और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाए। आरोपियों कहाँ से गिरफ्तार किए गए सर? ये मुलजिमान पूर्व में अन्य मुकदमे में गिरफ्तार करके जैसे ही करवाए गए थे, अभी इनको प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया। शहर के दादाबाड़ी इलाके में बुधवार देर रात को वीमार्ट और निकट के किराने की दुकान में अज्ञात बदमाशों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दादाबाड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। वीमार्ट के मैनेजर अभिषेक कुमार पारेता ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने रात में मार्ट के पास की गली में लगी जाली को तोड़कर 3 अन्य दरवाजों को तोड़ा और मार्ट के भीतर प्रवेश कर 8,000 नगद सहित ब्रांडेड कंपनी की जीन्स, टी शर्ट, पजामा और शर्ट्स सहित 2.5 लाख रुपए का माल ले गए। वहीं सेफ नहीं खुलने से उसमें रखा 1.5 लाख रुपए का कैश बच गया। बदमाशों ने करीब की किराने की दुकान पर भी धावा बोलकर 75,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। इस मामले की रिपोर्ट दादाबाड़ी थाने पर दी गई है और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर कल रात की बात है कि कल रात को हम 11 बजे स्टोर बंद करके गए। जैसे ही हमने सुबह स्टोर आके ओपनिंग करी तो स्टोर के पास वाली गली में से चोर ने अपना जाली तोड़ी, उसके बाद 3 गेट तोड़ के वो स्टोर के अंदर आए। देन वो स्टोर के अंदर आके उन्होंने लूटपाट करी, कैश काउंटर से 8,000 रुपये लेके गए और ज़रूरी सामान जो यहाँ जैसे जींस और पजामे वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, वो काफ़ी मात्रा में वो लेके गए यहाँ से, इस स्टोर से। सर कितनी महंगी वैरायटी थी? सर काफ़ी महंगी वैरायटी थी। यहाँ स्पार्की की जींस है, फ्लिक की जींस है जिसकी MRP 1400-1500 रुपये है, शर्ट की MRP जो 700-800 की है, पजामे भी काफ़ी ब्रांडेड है सर यहाँ पे फ्लिक के और काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनी के हैं वो, जिनकी भी 7-8 सौ रुपये MRP है। सर सेफ के भी उन्होंने छेड़छाड़ की बताया? यस सर, की ना उन्होंने सेफ की भी छेड़छाड़ करी है लेकिन उनके पास की नहीं होने के कारण और सेफ काफ़ी हैवी थी इस वजह से वो उसको तोड़ नहीं पाए और कोई डुप्लीकेट चाबी भी उसमें नहीं लग पाई, तो जो हमारा मेन केस था वो तो चोरी होने से बच गया। बट जो हमारा फ्लोट अमाउंट था, जो हम काउंटर चलाने के लिए चिल्लर रखते थे, कॉइन्स वगैरह रखते थे, तो वो लोग लेके चले गए 8,000 रुपये की समथिंग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TPV News। नमस्कार।